शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक मस्त बात बोलूं, कल एक चाचा बैठ गया मेरे ऑटो में। क्या बोलूं रे, ऑटो स्टार्ट किया मैं, मुश्किल से 1 किलोमीटर गया होऊंगा। चाचा बोलता है, थोड़ा थामा थामा, ओ बेटा रोको रोको रोको, थोड़ा पेशाब जाने का। मैं ऑटो खड़ी किया, जाके आया, फिर स्टार्ट किया, एक ही सिग्नल पार किया, फिर बोलता है, अरे बेटा थोड़ा बाजू बाजू बाजू, थांबा थांबा, फिर गया, फिर आया, फिर आगे जाके फिर रुका रहे, फिर रुका रहे। मैं बढ़ गया, रे क्या बात कर रहा है? हाँ, मैं बोला, ए चाचा क्या घड़ी घड़ी, क्या तकलीफ, क्या है तुमको, क्या चैन नहीं है? बेटा चैन तो है, बस खुल नहीं रही है। अरे कल क्या हुआ, क्या हुआ? कॉलेज के छोकरा छोकरी लोगों का भाड़ा मेरे को मिला, वो बैठे थे, मैं ऑटो चला रहा था बिंदास, उनका गाना वाना चालू हो गया, अंताक्षरी रे। लड़की बोली, आज कैसे भी करके इन लड़के लोग को हरा कर ही दिखाएंगे। लड़का चैप्टर था, बोलता है, चलो हम हारे अभी दिखा। पैसे चलाए क्या? चलाते हो रे, किधर जाने का? नेहरू नगर। अरे चलो भाई। और बता, तू गया था वहाँ पे? गया था वहाँ पे, क्या हुआ? चलो दूसरा ऑटो ले। पर ये चल क्यों नहीं रही है? ए अरे उतर, क्या कर रहे यार, स्टार्ट होगी अभी। हुआ क्या है यार? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता इसके बारे में, पता ही नहीं इसका क्या हो रहा है, पता ही नहीं इसका, पता नहीं क्या हो गया। स्टार्ट हो रही है, गियर में भी जा रही है, रेस भी ले रहा हूँ, क्लच भी छोड़ रहा हूँ, चल नहीं रही है। चल नहीं रही है? हाँ, आगे नहीं बढ़ रही है। अच्छा, हाँ चल मैं देखता हूँ। स्टार्ट कर। क्या? अरे हंस क्यों रहा है? मेरे को हंसने को आ रहा है। अरे मैंने कोई जोक मारा है क्या? पर ये मीटर से इंजन का क्या संबंध? अरे तो स्टार्ट करना। स्टार्ट करूं? हाँ करता हूँ बाबा। ये देख, चाबी लगाया, किक मारा, गियर में डाला, अभी रेस दे रहा हूँ मैं। अरे क्लच छोड़ेगा तब चलेगी ना, चल छोड़, छोड़, छोड़। देव, माँ की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी चलो। माँ क्या हुआ? जल्दी करो, तुम्हारी माताजी को दिल का दौरा पड़ा है, 48 घंटे तक तो कुछ नहीं कह सकते, कॉम्प्लिकेशंस काफी है। वैसे घबराने की कोई बात नहीं है, ये अच्छा हुआ जो सही वक्त पे उन्हें यहाँ ले आए। आई विल ट्राई माई बेस्ट, टेक केयर। पैसे वापस चाहिए? जी माँ हॉस्पिटल में है और शायद ऑपरेशन भी हो, पैसों की बहुत जरूरत है। लेकिन आरती, तुम लोग तो बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी खोलने वाले थे। माँ से बढ़कर कुछ नहीं है शर्मा जी। ठीक है, मैं देखता हूँ। No, 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 no,
आपकी माँ अंदर आपको बुला रही हैं। जाके उन्हें मिल लीजिए। माँ, क्या क्या कहते हैं डॉक्टर? डॉक्टर कह रहे हैं कि तू बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। मुझे तो लग रहा था बिछड़ने का टाइम आ गया। माँ, कैसी बात कर रही है तू? दीवा, अगर मुझे कुछ हो गया। कुछ नहीं होगा तुझे माँ, कुछ नहीं होगा। कितने गलत टाइम पे बीमार पड़ी मैं। एक तरफ अंजलि के एग्जाम्स, फिर कल तेरी बाबूजी की बरसी भी है, मुझे पूजा करनी थी। माँ, सब वैसे ही होगा जैसे तू किया करती थी, बस फिक्र मत कर। माँ जी, आप बिल्कुल ठीक हैं। डॉक्टर साहब ने कहा है कि टाइम पर दवाइयाँ लेते रहिएगा। ये रही माँ जी की फाइल। और हाँ, जाते समय आप गेट नंबर 2 से ही जाना, क्योंकि गेट नंबर 1 दिल्ली पुलिस ने बंद किया है, कोई दिल्ली का जज है उसकी सिक्योरिटी के लिए। जज साहब, ये केस बिल्कुल झूठा, मेरे मुवक्किल के साथ साजिश की जा रही है। अब मैं आपके सामने इस केस के चश्मदीद गवाह को पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। देवा, अगर यहाँ भी दिल्ली जैसे हालात हो गए तो? जब होंगे देख लेंगे। आरती, तुम तैयार हो तो चलें? जी, बस एक मिनट। ये माँ की दवाई ले आना, और दोपहर की खुराक खुद अपने हाथ से देना, माँ भूल जाती है। जी भैया। भैया, मुझे भी कॉलेज छोड़ दो। अंजलि। हाँ माँ। मंदिर में माथा टेक कर जाना बेटा, आज रिजल्ट है ना तुम्हारा। रघु, ए रघु, आ रहा हूँ यार, 5 मिनट रुक। 5 मिनट। वाह, हाय हाय, इसे कहते हैं खूबसूरती। नजर भर कर आदमी देख ले तो बस ठंडा हो जाए साला। यूं देखकर हुजूर, निगाहों के वार मत कीजिए। हाय 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 हाय। ए चिकनी, अरे कहाँ चली? ओए मेरी बात तो सुन। ओए ओए जाने मान, ओए मेरी बात तो सुन। अरे चलो सज्जनों, तुम सब लोग शुद्ध हो गए। ये नारियल पानी नहीं है, अमृत जल है, सबके पाप धुल गए। टेंशन खत्म। चलो पंडित जी, ये बांट लो, बांट लो। ये बर्थडे का गाना नहीं चाहिए, पब्लिक बहुत बोर होती है यार। भाऊ, आज तो आपको केक काटना चाहिए। आदमी छोड़ के कुछ और काटना मेरे को जमता नहीं, बहुत बुरा लगता है। जितरो जितरो, एक दिन चोरी पकड़ी थी केक काटने के लिए, हाथ पसीना पसीना हो गया, तब बुलबुल ने काटा था ना। हाँ, अच्छा रात को प्रोग्राम रखो पिक्चर का, वो दादा कौन के का, अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में, दिखाओ लगाओ सबको। भाव आ गया। क्या भाव? क्या राज्य, क्या चल रहा है? भाव सुनाना है तो अच्छा खबर सुनाना, नहीं तो मत सुनाना। क्या वेला, कौन सा नया मैगजीन लाया? ये लो भाव। वाह, लड़की है कि बुलेट है बुलेट। इसका कौन सा नया पिक्चर आ रहा है अभी? इसका रात का गुना और गरम बिस्तर रिलीज होने वाली है। ऐसे टाइटल के लिए बिल्कुल फिट है ये लड़की, इसका कनेक्शन निकाल कर रखना। जी, मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये ये इन लोगों की क्या स्टोरी है। भाव, बांद्रा में एक प्रॉपर्टी है, उस पर हम एक 5-स्टार होटल बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है? भाव, वहाँ पर एक पारसी फैमिली रहती है और वो अपनी जगह बेचने के लिए तैयार नहीं है। तो साइन किसका चाहिए बताओ ना, इधर ही बुलवा लेता हूँ। हाँ जी, ठीक है जी। अभी पैसे की जो भी बात है रज्जी से बात करना।
ठीक है, मैं इस मोह माया से दूर रहता हूँ। चलो। अच्छा वो पुलिस वाले को क्या किया? गटर में डाल दिया साले को भाव, ऊपर से दो गोनी नमक। चलो एक चिराग और बुझ गया, अब एक और नया भर्ती। संसार का नियम है, पुराना जाता है नया आता है, पुराना जाता है। मैं ना अपनी औरत से बहुत परेशान हूँ यार, जब देखो तब 2,500 रुपए दे दो, 3,000 रुपए दे दो, 1,500 रुपए दे दो। आज सुबह कुल्ला कर रहा था, पीछे खड़ी 1,500 रुपए दे दो। अरे पैसे झाड़ में लगे क्या, मैं ऑटो चलाता हूँ यार। पर तेरी औरत इतना पैसा खर्चा कहाँ करती है? मेरे क्या मालूम, मैंने आज तक उसको पैसा दिया नहीं है। ए राजू चल, तेरा पैसेंजर आ गया, बातें कम कर। हाँ पैसेंजर, चल चल। क्या आदमी है राजू तू भी। तो बैठ गया, ड्राइवर नहीं है बस, आ गया। चलो भैया जल्दी स्टार्ट करो, चलो। अरे ये रिक्शा क्यों नहीं स्टार्ट? चलो भाई स्टार्ट करो, क्या कर रहे हो? चल स्टार्ट कर। हाँ हाँ नेचर से होगा। हाँ वो देख। चलो जी दूसरा रिक्शा पकड़ते हैं, यही बैठे रहेंगे नहीं तो। क्या हुआ? अरे वही जो एक हफ्ते से हो रहा है। हाँ पता नहीं क्या हो रहा है, स्टार्ट करता हूँ, गियर में डालता हूँ, क्लच लेता हूँ, स्टार्ट हो रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, वही सेम प्रॉब्लम। अच्छा हाँ एक ये तो करके देख लिया है। करके देख लिया? अब पहले पहले अच्छा। एक मिनट, उधर क्या है? I don't know. चल स्टार्ट कर। देवा मैं तेरे को क्या लगता हूँ? अरे स्टार्ट करना। स्टार्ट कैसे? स्टार्ट कोशिश तो कीजिए, इसमें क्या जाता पर है? पहले भी स्टार्ट करूँ? हाँ कर। ये देख न्यूट्रल किया, चाबी लगाई और ये किक मारा, अब मैं रेस दे रहा हूँ। अरे क्लच, क्लच तो छोड़। और ये क्लच छोड़ रहा हूँ। ये ठीक है, ये शायद इधर होगा। मुझे याद है इसी में रखा था यार। अच्छा भाई ये हटाना, क्या कर रहे तुम लोग? हाँ बोल कपूर, क्या हुआ? सामान मिल गया क्या? जल्दी चलो जल्दी, सामान मिल गया, चलो। अरे यार तुम लोग यार रिक्शे की अच्छी तरह करवा दी, चलो चलो जल्दी बैठो चलो। से कहते हैं कसूती, नजर आते आदमी देख ले तो बस ठंडा हो जाए साला। यूं देखा तू निगाहों के वार मत कीजिए। ओए होए 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 मान गया। दिल करता है खुद को गोली मार लो। अगर इससे बहन की शादी होती हो तो बेशक अपने आप को गोली मार लो। अब देवधर ही समझाएगा उसे। क्यों भाई, क्यों दुकान खाली कर दूं मैं? कानून के हिसाब से अगर बात करो तो 17 साल के बाद किराएदार को मालिकाना हक मिल जाता जगह पर, लेकिन मैंने कभी इसे अपनी जगह कहा? हाँ जी 70 रुपए किराया था,
जिसे बढ़ाकर मैंने 1300 रुपए कर दिया, और कभी आपको किराया मांगने की जरूरत पड़ी तारीख के 2 दिन पहले देकर जाता हूँ। चावला साहब, आप शरीफ आदमी हैं, ये बताने की जरूरत नहीं, लेकिन इसकी बहन की शादी है। शादी है तो मैं क्या करूँ, ये इनकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। दो दिन से कट्टा लिए घूम रहा अपनी जेब में, अगर कल रात में इसे नहीं रोकता तो तेरी फोटो पर इसने हार चढ़ा दिया था। देख चावला, जिंदगी रहेगी तो और नई दुकानें आ जाएंगी। ला कागज दे, ये ले, साइन कर। माँ, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। आप और भैया जो कर रहे हो वो सरासर गुंडागर्दी है। अगर ये गुंडागर्दी है तो मैं तो चाहूंगी कि हर घर में हम माँ बेटे जैसे गुंडे हों। माँ, क्या तुम भैया से प्यार नहीं करती हो? अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, बल्कि सच तो यह कि मैंने उसी से ज्यादा प्यार किया है। बचपन में उसे खरोच भी आती थी तो मेरी रात की नींद उड़ जाती थी। बहुत लाड़ से पाला है उसे। पता है उसका स्कूल हमारे घर से 2 मील की दूरी पर था। जब वो चलते चलते थक जाता था मैं उसे गोद में उठा लेती थी। एक दिन बदमाश ने मुझसे कहा, माँ मैं थकता वकता नहीं हूँ, बस तुम्हारी गोद अच्छी लगती है। माँ, तुम भैया की शादी कर दो। कह तो रहा है कि कोई देख रखी है, बात करूंगा। क्या है? कल जो मैंने पूछा था उसका जवाब चाहिए मुझे। देवा भाई, अंजलि के ऊपर किसी ने एसिड फेंका। माँ, माँ वो तू जानता था ना, तुझे मालूम था ना कि वो होम मिनिस्टर का बेटा अंजलि के पीछे पड़ा हुआ है, तो तूने ये बात छुपाई कैसे? बताया क्यों नहीं? आकाश, अगर तुमने बताया होता तो आज इस हॉस्पिटल में अंजलि की जगह वो होता, वो होता। जा, तू भी जाके देख ले, 15 नंबर कमरे में पड़ी है, जाके देख क्या हाल कर दिया उसका। सब सब इसकी वजह से।
पुलिस कंप्लेंट नहीं, कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी। मुझे मेरे बेटे के हत्यारे की लाश चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज में हम आपको बता दें, आज होम मिनिस्टर मनोहर शिंदे की बेटी की किसी अज्ञात व्यक्ति ने हत्या कर दी है। सूत्रों से पता चला है कि ये हत्या बदले की भावना से की गई है। कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। होम मिनिस्टर मनोहर शिंदे से हमने संपर्क करने की बहुत कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। पुलिस का कहना है इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कुछ ही दिनों में कातिल सामने आ जाएंगे। यूएसए निमन, इसकी खातिरदारी करनी पड़ेगी। ओए, चल बोल, तू नहीं मारा ना उसको। मेरी बहन कैसी है? अबे ओए, क्या पूछ रहे तेरे से? पहले बताओ मेरी बहन कैसी है। पहले तू ये बता कि तूने उसे मारा है कि नहीं। पहले ये बताओ मेरी बहन कैसी है। अरे बावड़ा हो गया क्या? तेरे से जो पूछ रहे उसका सुद्धा सुद्धा जवाब दे। तुम लोग क्यों नहीं बताते मेरी बहन कैसी है? अबे सब बता देंगे, पर तू ये कबूल कर कि तूने शिंदे साहब के बेटे को मारा है। तुम लोग पहले ये बताओ मेरी बहन कैसी है। ओए तू ऐसे नहीं मारेगा। अगर मेरी बहन को कुछ हो गया तो सबसे पहले मुझे जान से मार देना। जी राज तिलक जी। शर्मा जी, ये पुलिस वाले एक बेकसूर इंसान को कस्टडी में लिए हुए हैं। कौन है वो? देवधर, सन ऑफ सीता देवी। और किस थाने में है? जनकपुरी थाने में। आप क्या चाहते हैं? बस इतना ही कि जब मैं अपने घर पहुंचूं, वहां मुझे मेरा बेटा मिलना चाहिए। जी देखिए, झगड़ा टंटा और बहसबाजी का कोई मतलब नहीं है। शिंदे साहब के बेटे ने जो कुछ किया है उससे पार्टी की छवि खराब हुई है। छवि खराब हुई है, हर तरफ थू थू हो रही है, पार्टी के नाम पर धब्बा लग चुका है। अब शिंदे साहब को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा दे देना चाहिए। तुम नैतिकता की बात कर रहे हो? तुम दहेज के लिए बहू को जलाकर मार दिया और एक्सीडेंट बनाकर फाइल बंद कर दी, तुम नैतिकता की बात कर रहे हो? शिंदे साहब बौखलाहट में ये उल जुलूल बातें हमसे न करें। अपना कीचड़ दूसरों पर डालकर साफ सुथरे नहीं हो पाएंगे आप। आपके बेटे ने जो किया है उसका भुगतान तो आपको करना ही पड़ेगा। मनोहर शिंदे, कुर्सी छोड़ो। चुप, शांत हो जाइए। शिंदे साहब, आप मेरे साथ अंदर चलिए। आइए। मनोहर जी, होता है राजनीति में उतार चढ़ाव तो आता है। ऐसे वक्त पर जब हवा आपके खिलाफ हो, फैसले बहुत धैर्य और सूझबूझ से करने चाहिए। इस वक्त आपका इस्तीफा देना सिर्फ पार्टी के हक में नहीं, आपके हित में भी है। जी मनोहर जी, मैं ये बात पार्टी प्रेसिडेंट के हैसियत से नहीं, एक दोस्त के नाते कह रही हूँ। देखिए, आप एक काम करिए, आप इस्तीफा दे दीजिए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए, और उसमें आप कहिए कि आपके बेटे से जो हुआ उससे आपके दिल को बहुत ठेस पहुंची है, बहुत दुख हुआ है, इसलिए आप इस्तीफा दे रहे हैं। और फिर कोल्हापुर जाकर संतरे और केले की खेती करूं, यही ना? आप महाराष्ट्र में पार्टी की सेवा जारी रखिए, हालात फिर बदल जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा।